हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होगे। दोस्तों दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम यानी कि राष्ट्रमंडल खेलों की संपूर्ण जानकारी आपके सामने लेके आया हूँ इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि अगर ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी देखेंगे तो आपका कोई एक क्वेश्चन भी एग्जाम में जो है वो गलत नहीं होगा। आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक पूरा ढंग से देखें। ये 5 पॉइंट मैंने आपके सामने लिखे हैं जिस तरीके से हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पहला पॉइंट हमारा है कॉमनवेल्थ गेम्स का ऐतिहासिक पक्ष, होता क्या है, कॉमनवेल्थ गेम कब शुरू हुए, क्या चीजें हैं इसमें। दूसरा बर्मिंगम खेलों की जानकारी, यानी कि इस बार जो कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं वो बर्मिंगम में हुए हैं इंग्लैंड के अंदर, तो उसकी संपूर्ण जानकारी। फिर कितने भारतीय खिलाड़ी थे, क्या क्या उन्होंने पदक जीते, कौन कौन हारा, कौन कौन जीता, कौन कौन से राज्यों से वो संबंधित थे, कौन कौन से खेलों से संबंधित थे, उनकी संपूर्ण खिलाड़ियों की संपूर्ण जानकारी। फिर पदक जीतने वाले खिलाड़ी, जो जो उन्होंने गोल्ड जीते हैं या उन्होंने कोई पहले भी पदक जीता हुआ है, तो वह भी सारी जानकारी हम रिमाइंड करेंगे। फिर अन्य तथ्य, यानी कि राजस्थान से या किसी स्पेशल राज्य से या कोई स्पेशल जानकारी है किसी खिलाड़ी के बारे में, या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें लगता है कि आने वाले हैं, हम उनकी पूरी जानकारी पढ़ेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं दोस्तों, पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। कॉमनवेल्थ गेम होता क्या है, देखो जैसा कि आपको पता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स को हम राष्ट्रमंडल खेल भी बोलते हैं, राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं बेटा कि राष्ट्रमंडल खेल जो है 1930 में प्रारंभ हुए थे। राष्ट्रमंडल खेल जो है 1930 में प्रारंभ हुए थे और जो राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार हम खिलाड़ी खिलाड़ी याद करते रह जाते हैं और पूछ एग्जाम में कुछ ऐसी बात ली जाती है जो हम पढ़ते नहीं है। राष्ट्रमंडल खेलों का जो मुख्यालय है वो लंदन में है, ये ध्यान रखें आप, काफी इंपॉर्टेंट है। इस पर मैं काफी जोर दे रहा हूं, आप ध्यान रखें कि राष्ट्रमंडल खेलों का जो मुख्यालय है वो लंदन में है, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल खेल शुरुआत कब हुई, 1930 में प्रारंभ हुए। भारत जो है 1934 में, भारत जो है 1934 में पहली बार भाग लेने गया था राष्ट्रमंडल खेलों में। भारत ने 1934 में पहली बार भाग लिया था। जिस समय भारत ने भाग लिया 1934 के अंदर, उस समय इनको कॉमनवेल्थ गेम यानी कि राष्ट्रमंडल खेल नहीं बोलते थे, इनका एक अलग ही नाम था। उसका नाम मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, यानी कि राष्ट्रमंडल खेल इनका नाम बाद में पड़ा है, पहले इनको ब्रिटिश एम्पायर गेम्स बोला जाता था, ठीक है। अगला पॉइंट जो है, अगला जो बिंदु है वो ये है कि भारत की आजादी के बाद, यानी कि 1947 के बाद, भारत की आजादी के बाद जो है, भारत पहली बार 1954 में गया, 1954 में पहली बार। देखो क्वेश्चन यहां से बन सकता है, संभावना है कि पहली बार कब गया, 1934 में। आजादी के बाद पहली बार कब गया, 1954 में, 20 साल बाद गया, ठीक है। फिर जब भारत 1934 में पहली बार गया, 1954 तक लगातार जा ही रहा था, तब तक भारत को कोई ज्यादा कामयाबी नहीं मिली थी। 1966 ईस्वी में जब भारत गया कॉमनवेल्थ गेम खेलने, तो भारत पहली बार 10 पदक की संख्या तक पहुंचा। टोटल 10 पदक अभी तक मिल नहीं पाए थे भारत को, पहली बार जो है भारत 10 पदक जीता था, ठीक है। फिर इसमें आपको बता दूं, उसके बाद 2010 में भारत जो है कॉमनवेल्थ गेमों का मेजबान रहा है, कॉमनवेल्थ गेमों का मेजबान रहा है भारत, ठीक है ना। भारत कॉमनवेल्थ गेमों का मेजबान रहा है और इसी साल भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था कॉमनवेल्थ गेमों में। इसी साल भारत, यानी कि कौन से साल, 2010 में भारत ने सर्वश्रेष्ठ, अब तक का सबसे श्रेष्ठ प्रदर्शन जो किया था, उस टाइम 101 मेडल भारत ने जीते थे, 101 पदक भारत ने जीते थे, ठीक है। अब थोड़ी सी और बातें कर लें इसकी और इंपॉर्टेंट बातें हैं कि भारत का जो पहला पदक है, भारत की तरफ से प्रथम पदक,
भारत की तरफ से पदक जो है कॉमनवेल्थ गेम की हिस्ट्री के अंदर सबसे पहला जो गेम पदक जीता था वो राशिद अनवर ने जीता था। राशिद अनवर जो है ये कौन से गेम से संबंधित थे? फ्री स्टाइल कुश्ती के 74 kg भार वर्ग में इन्होंने रजत पदक जीता था सबसे पहले। रजत पदक राशिद अनवर ने जीता था। कब जीता था? 1934 वाले गेम्स में, 1934 वाले गेम्स में राशिद अनवर ने फ्री स्टाइल कुश्ती में रजत पदक जीता था। ये भारत का कॉमनवेल्थ गेम में प्रथम पदक था, भारत का कॉमनवेल्थ गेम में प्रथम पदक था। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो आप सभी को शायद पता भी होगी लेकिन रिमाइंड करा दूं, 1958 में मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया है ना, मिल्खा सिंह ने पदक जीता था गोल्ड। ये भारत का प्रथम स्वर्ण पदक था कॉमनवेल्थ गेम्स में। भारत ने, मिल्खा सिंह ने गोल्ड पदक जीता था, भारत का प्रथम स्वर्ण पदक था ये। इन्होंने कौन सी स्पर्धा में जीता था? 440 यार्ड स्पर्धा में, यानी कि रेसर थे, रनर थे, 440 40 यार्ड प्रतिस्पर्धा में इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड जीता था। ठीक है, अब अपने बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022, जिसके ऊपर मैं ये मेनली वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल 2022 हो कहाँ रहे हैं? वो हो रहे हैं बेटा बर्मिंघम में। ये हमारा दूसरा पॉइंट स्टार्ट हो गया, बर्मिंघम में। और बर्मिंघम कहाँ है? इंग्लैंड में, ठीक है ना। बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं, और बर्मिंघम कहाँ पड़ता है? इंग्लैंड में। कब हो रहे हैं भाई, कब हुए थे ये? 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक चले हैं। ये भी आपको याद रखना है, 28 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक चले हैं। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब जो ये बात लिख रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है, कलर चेंज कर लूं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी जोर दे रहा हूं। देखो मैं इस पे जो राष्ट्रमंडल खेलों का शुभंकर है, ये बहुत बार पूछा जाता है, राष्ट्रमंडल खेलों का जो शुभंकर है वो क्या है, ये ध्यान रखना, पैरी द बुल। पैरी द बुल ये राष्ट्रमंडल खेलों का शुभंकर है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पैरी द बुल, ये खास ध्यान रखना है आपको। ये राष्ट्रमंडल खेलों की जानकारी हो गई, ठीक है। अब ये पदक जीतने से पहले हम कुछ और बातें कर लेते हैं राष्ट्रमंडल खेलों की। राष्ट्रमंडल खेलों के अंदर भारत के जो 215 खिलाड़ी गए हैं भाई, भारत के कितने खिलाड़ी गए हैं? 215 खिलाड़ियों ने भाग लिया। और सदस्यों समेत देखे जाए यानी कि अधिकारियों सहित भारत के बंदे ही कितने गए थे, यानी कि भारत की जनसंख्या के कितने लोग गए थे? भारत के 325 सदस्य गए थे, 325 में से 215 खिलाड़ी थे। 215 खिलाड़ियों में से जो खेलने वाले जो भी खिलाड़ी थे उन्होंने कुल मिलाकर 16 स्पर्धाओं में भाग लिया, 16 स्पर्धाओं में भाग लिया है। भारत के 215 खिलाड़ी शामिल हुए हैं, सदस्यों समेत कितने शामिल हुए? 325। भारत के 215 खिलाड़ी शामिल हुए हैं, काफी खास ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगली बात, पदक जीतने वाले खिलाड़ी एथलेटिक्स, एथलेटिक्स से पहले भी एक बात और कर लेते हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे, काफी इंपॉर्टेंट है कि भारत के जो ध्वजवाहक थे, ये कई बार पूछा जाता है, ध्वजवाहक पूछा जाता है, दो ध्वजवाहक थे भारत के, पहले कौन और दूसरे कौन? पहली थी पी वी सिंधु, बहुत नामी गिरामी खिलाड़ी हैं पी वी सिंधु, जिनका संबंध किससे है? बैडमिंटन से है भाई, चिड़ी बल्ला जिसको अपने बोलते हैं, पी वी सिंधु का संबंध बैडमिंटन से है, ये भारत की ध्वजवाहक थी। दूसरे ध्वजवाहक थे मनप्रीत सिंह, दूसरे ध्वजवाहक कौन थे? मनप्रीत सिंह थे, ये हॉकी से संबंधित हैं, ये भारत के ध्वजवाहक थे। एक तो सीधा पूछ लिया जाए ध्वजवाहक, तो आपके आंसर ये होने चाहिए, एक पूछ लिया जाए
समापन समारोह में ध्वजवाहक, है ना, समापन समारोह में ध्वजवाहक। ध्वजवाहक होता क्या है, जो भारत के झंडे को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनके पीछे सारी टीम चलती है, सारा दल चलता है। भारत के जो समापन समारोह में ध्वजवाहक थे वो थे, देखो कौन थी पहली खिलाड़ी, अचंता शरत कमल, अचंता शरत कमल ये खिलाड़ी थी जिनका संबंध टेनिस से है। ये समापन समारोह में पहली ध्वजवाहक थी। और दूसरे जो खिलाड़ी का नाम है वो है निकहत जरीन, निकहत जरीन ये भी समापन समारोह में ध्वजवाहक थी। और इनका संबंध है बेटा मुक्केबाजी से, यानी कि बॉक्सिंग से। तो ध्वजवाहक आपको याद रखने हैं दोनों ही। सिंपल ध्वजवाहक पूछ लिया जाए तो पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, और समापन समारोह में ध्वजवाहक पूछ लिया जाए तो अचंता शरत कमल और निकहत जरीन। अब अपने बात करते हैं कि भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं। भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं। ये 61 के 61 आपको भी मैं गिनाऊंगा एक एक करके, ताकि आपको एक एक याद रहे। 61 के 61 पदक भारत ने जो जीते हैं, इसमें से 22 तो गोल्ड हैं बच्चे, 22 हैं गोल्ड, 16 सिल्वर, ठीक है, और 23 जो हैं ये ब्रॉन्ज हैं, ठीक है ना। इस तरीके से पदक तालिका रही है भारत की। टोटल 61 मेडल्स जीते हैं, जिसमें से 22 गोल्ड हैं, 16 सिल्वर हैं और 23 ब्रॉन्ज हैं। वैसे आपको बता दूं, जो पहला रैंक रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स में वो रहा है ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया का प्रथम रैंक रहा है, जिसने कुल 178 पदक जीते हैं। दूसरा जो रहा है वो इंग्लैंड का खुद का रहा है, यानी कि मेजबान कंट्री का रहा है इंग्लैंड। इंग्लैंड ने 176 पदक जीते हैं, सिर्फ 2 पदकों से पीछे रहा। तीसरा जो पदक है वो कनाडा का रहा है, कनाडा, ठीक है, और कनाडा ने 92 मेडल्स जीते हैं। और चौथा जो पदक है ये मेरा इंडिया, ये चौथा जो स्थान रहा है वो भारत का रहा है। और भारत ने, आपको बता ही दिया मैंने, कुल कितने पदक जीते हैं, 61 पदक जीते हैं। अब अपने एक एक करके 61 के 61 की सबकी जानकारी लेंगे, तो बने रहिए दोस्तों। अब अपने एक एक गेम की संपूर्ण जानकारी लेंगे बेटा। सबसे पहले अपने जो गेम स्टार्ट कर रहे हैं वो एथलेटिक्स, पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की संपूर्ण जानकारी, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एथलेटिक्स में किस किस ने जो पदक जीते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो पहला एथलेटिक्स का जो पदक है वो जीता है एल्डोज पॉल, एल्डोज पॉल ने ये जो पदक जीता है ये गोल्ड पदक है, यानी कि गोल्ड मेडल है। और ये कौन सी इवेंट में जीता है, मेंस ट्रिपल जंप में, मेंस ट्रिपल जंप, है ना, मेंस ट्रिपल जंप, इसमें इन्होंने पदक जीता है, ठीक है। दूसरा जो पदक यहां बनता है वो बनता है बेटा अब्दुल्ला अबूबकर, अब्दुल्ला अबूबकर ने जीता है, इन्होंने जीता है बच्चे सिल्वर पदक, सिल्वर मेडल जीता है। और इनकी भी ये सेम स्पर्धा थी मेंस ट्रिपल जंप, यानी कि जो पुरुषों की ट्रिपल जंप होती है उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। तीसरा जो खिलाड़ी है वो है अविनाश, अविनाश साबले, इंग्लिश में लिख दूं क्या, अविनाश साबले ने सिल्वर मेडल जीता है। ये बेटा मैं आपको एक एक करके क्यों बता रहा हूं, क्योंकि परीक्षा में कुछ भी पूछ सकता है कि फलाने खिलाड़ी का संबंध कौन से खेल से है, फलाने खिलाड़ी का संबंध कौन से मेडल से है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। इसलिए आपको एक एक चीज मैं डिटेल से बता रहा हूं। अविनाश साबले जो है इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, इन्होंने 3000 मीटर स्टीपल चेज, ये इनकी खेल का नाम है स्टीपल चेज, 3000 मीटर स्टीपल चेज में इन्होंने सिल्वर पदक जीता है। चौथे जो खिलाड़ी हैं एथलेटिक्स के वो है प्रियंका गोस्वामी, प्रियंका गोस्वामी। अब प्रियंका गोस्वामी जी हैं, इनका जो संबंध है वो रेस वॉक से है,
यानी कि पैदल चाल, और इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल, इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। पांचवा जो पदक बनता है मुरली श्री शंकर, एम श्री शंकर हैं, इनका पूरा नाम बनता है मुरली श्री शंकर। ये लॉन्ग जंप के खिलाड़ी हैं। मेन तो आपको ये याद रखना है कि ये कौन से खेल के खिलाड़ी हैं। एडोल्स पॉल जो है वो गोल्ड जीता इन्होंने ट्रिपल जंप में, अब्दुल्ला अबूबकर फिर सिल्वर जीता इन्होंने भी ट्रिपल जंप में, अविनाश साबले स्टीपल चेज के खिलाड़ी हैं, प्रियंका गोस्वामी पैदल चाल की खिलाड़ी हैं, मुरली श्री शंकर लॉन्ग जंप के खिलाड़ी हैं। मुरली श्री शंकर ने भी सिल्वर पदक जीता है। पदक आप चाहे याद ना रखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको गेम याद रखनी है कि कौन से खिलाड़ी की कौन सी जो है वो गेम है। तेजस्विन शंकर अगले खिलाड़ी का नाम है, तेजस्विन शंकर, और तेजस्विन शंकर भी जो है वो हाई जंप के खिलाड़ी हैं। लॉन्ग जंप अलग होता है भाई, हाई जंप अलग होता है। इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, देश का नाम रोशन किया है इन खिलाड़ियों ने। सातवें जो खिलाड़ी हैं अनु रानी, सातवीं जो खिलाड़ी हैं वो अनु रानी हैं। अनु रानी जो हैं ये जैवलिन थ्रो, अब जैवलिन थ्रो तो नीरज चोपड़ा के बाद सभी को पता है जैवलिन थ्रो क्या होता है, भाला फेंक है ना। तू भी है राणा का वंशज, देख कहाँ तक फेंक कहाँ तक बाला जाए, है ना। तो भाले की तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि हमारे इतिहास से ये चलता आ रहा है। संदीप कुमार अगले खिलाड़ी हैं, इन्होंने रेस वॉक के अंदर ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है ना। अनु रानी ने जैवलिन थ्रो में ब्रॉन्ज जीता है, बहुत बड़ी बात है ये। संदीप कुमार ने रेस वॉक के अंदर फिर ब्रॉन्ज जीता है। तो ये खिलाड़ियों की एथलेटिक्स की सूची थी। अगले गेम में चलते हैं, अब बारी आती है बैडमिंटन की। तो बैडमिंटन का नाम आए और पीवी सिंधु का नाम ना आए ऐसा अब नहीं हो सकता। तो सबसे पहला नाम मैं पीवी सिंधु का ही लिख रहा हूँ यहाँ पे। पीवी सिंधु ने गोल्ड जीता है, ये सारे देश को पता चल चुका है, लेकिन इनकी स्पर्धा कौन सी थी, वुमेन सिंगल्स, क्योंकि बैडमिंटन के अंदर सिंगल्स भी होते हैं, डबल्स भी होते हैं और टीम वर्क भी होता है। तो पीवी सिंधु ने सिंगल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। दूसरा जो नया नाम आया है और काफी इंपॉर्टेंट है ये लक्ष्य सेन, इन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लिया है। लक्ष्य सेन ने भी गोल्ड पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, ये मेंस सिंगल में इन्होंने जीता है, मेंस सिंगल में, ठीक है। अब अपने करते हैं मेन डबल की बात। तीसरा जो है इसमें दो खिलाड़ी आएंगे, सिंपल सी बात है। पहला खिलाड़ी है सत्विक्स राज और दूसरा खिलाड़ी जो है वो चिराग शेट्टी, इसका पूरा नाम है चिराग शेट्टी। सत्विक्स राज रंकी रेड्डी, इनके पूरे नाम ही लिख देता हूँ, आपको टेंशन नहीं लेनी, चिराग शेट्टी, ठीक है। इन दोनों ने मेंस डबल के अंदर, जो दो दो खिलाड़ी खेलते हैं मेंस डबल के अंदर, इन दोनों ने गोल्ड जीता है। क्या जीता है, स्वर्ण का तमगा जो है वो जीता है। चौथा है वुमेन्स डबल की। अगर मेंस डबल की बात हो गई तो वुमेन्स डबल कहाँ पीछे रहेगी, इसमें ट्रीजा जॉली और इनके साथ गायत्री गोपीचंद, इन दोनों ने डबल्स के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और पांचवा मेडल मिक्स्ड टीम, इंडिया की मिक्स्ड टीम, मेंस वुमेन्स सारे इसमें मिक्स थे, है ये बैडमिंटन ही, बैडमिंटन के अंदर मिक्स्ड टीम के अंदर इंडिया ने क्या जीता है, सिल्वर। इस तरीके से जो बैडमिंटन के मेडल हैं वो पांच हैं, पीवी सिंधु, लक्ष्य, सत्विक्स राज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, ट्रीजा जोली, गायत्री गोपीचंद, ठीक है ना। ये मिक्स्ड टीम, इसमें काफ़ी खिलाड़ी होते हैं तो इनमें अपने नाम याद नहीं रख सकते। तो पांच जो है पदक जीते हैं बैडमिंटन में, ठीक है। अब बात करते हैं बॉक्सिंग की, यानी कि मुक्केबाजी की। तो मुक्केबाजी के अंदर ये बात आपको ध्यान रखनी है, निकहत जरीन, निकहत
जरीन, इनका नाम मैं पहले भी इस वीडियो में ले चुका हूँ। निखत जरीन जो है 50 केजी भार वर्ग के अंदर मुक्केबाजी के अंदर इन्होंने क्या जीता है, गोल्ड जीता है। निखत जरीन 50 केजी भार वर्ग गोल्ड। दूसरी जो खिलाड़ी हैं वो है नीतू घंगस। नीतू घंगस ने भी गोल्ड जीता है, लेकिन इनकी 48 केजी कैटेगरी थी, इन्होंने भी गोल्ड जीता है। ठीक है, फिर है अमित पंघल। आपको मेन क्या याद रखना है बच्चे, आपको रखने हैं खिलाड़ियों के नाम याद और खिलाड़ियों की गेम याद रखनी है। निकट जरीन मुक्केबाजी, नीतू घंगस मुक्केबाजी, अमित घंगल मुक्केबाजी, इन्होंने मेंस में 51 केजी के अंदर गोल्ड जीता है। ये दोनों तो वुमेन के अंदर आ गई, वुमेन में गोल्ड जीता है, इन्होंने मेंस में गोल्ड जीता है। ठीक है, फिर चौथे जो खिलाड़ी हैं वो सागर हैं, सागर अहलावत, सागर अहलावत हैं, इन्होंने 92 केजी से भी ऊपर में सिल्वर जीता है, सिल्वर स्वर्ण रजत है ना। और पांचवें जो खिलाड़ी हैं वो है रोहित टोकास, या टोकस कह दो, रोहित टोकस, इन्होंने 67 केजी के अंदर क्या जीता है, ब्रॉन्ज जीता है, 67 केजी के अंदर ब्रॉन्ज जीता है। फिर है जैस्मिन, फिर है जैस्मिन, इन्होंने वुमेन 60 केजी के अंदर ब्रॉन्ज जीता है, 60 केजी के अंदर ब्रॉन्ज जीता है। और सातवां मोहम्मद हमामुद्दीन, मोहम्मद हसामुद्दीन, मोहम्मद हसामुद्दीन, इन्होंने जीता है 57 केजी के अंदर ब्रॉन्ज। देखो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, आपको ये सिल्वर ब्रॉन्ज याद नहीं रखने, हालांकि गोल्ड तो याद रखने हैं, सिल्वर याद रह जाए तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन आपको खिलाड़ियों के नाम तो किसी हालत में नहीं भूलने। खिलाड़ी कौन सा खिलाड़ी कौन से गेम के साथ जो है वो प्रैक्टिस कर रहा है वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिकेट की। तो क्रिकेट में हमारी ज़्यादा इवेंट्स नहीं थी, जो वुमेन क्रिकेट है, वुमेन क्रिकेट टीम थी, क्रिकेट इंडिया में वो काफ़ी देखा जाता है, तो क्रिकेट की जानकारी मैं ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, क्रिकेट को शॉर्टकट में लेंगे। वुमेन क्रिकेट T20 मैच की स्पर्धा हुई थी, उसके अंदर इंडिया ने सिल्वर मेडल जीता है, फाइनल हार गया था इंडिया और सारे देश को इस चीज़ का दुख हुआ था, लेकिन खुशी भी हुई है कि इंडिया ने क्या जीता है, सिल्वर पदक जीता है क्रिकेट के अंदर, क्रिकेट के अंदर क्या जीता है, सिल्वर पदक क्रिकेट में। फिर आता है हॉकी में, हॉकी में दो मुख्य जो इवेंट हैं, एक मेंस हॉकी और एक वुमेन्स हॉकी। तो मेंस हॉकी के अंदर जो हॉकी की टीम है उन्होंने सिल्वर पदक जीता था, और जो वुमेन्स हॉकी है, जो वुमेन्स हॉकी है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, वुमेन्स हॉकी है उन्होंने क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, वुमेन्स हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। एक बात यहाँ बता दूँ, चलो आप भी कमेंट करना, मुझे बता देना क्रिकेट के अंदर कैप्टन कौन थे और वाइस कैप्टन कौन थी, कैप्टन और वाइस कैप्टन के नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसमें भी हॉकी की दोनों टीम में, मेंस और वुमेन्स में, कैप्टन कौन और वाइस कैप्टन कौन, इनके नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगली जो गेम है वो जूडो है। जूडो के अंदर सबसे पहले सुशीला देवी, सुशीला देवी के अंदर 48 केजी के स्पर्धा के अंदर इन्होंने भाग लिया और सिल्वर पदक जीता, तीनों ही दो सिल्वर और एक ब्रॉन्ज है। फिर तुलिका मान, देखो हिंदी में लिख दूं चाहे इंग्लिश में लिख दूं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी शायद आपको, तुलिका मान ने 78 केजी प्लस के अंदर इन्होंने भाग लिया और इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है, तुलिका मान। और आगे है विजय कुमार यादव, विजय कुमार यादव कृष्ण जी के वंशज हैं, विजय कुमार यादव, इन्होंने 60 केजी स्पर्धा में भाग लिया और इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ये हमारे जूडो के होनहार खिलाड़ी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें जो है उपलब्धि दिलाई है।
सुशीला देवी, एक बार फिर रिपीट कर लें, सुशीला देवी जूडो, तुलिका मान जूडो, विजय कुमार यादव जूडो, ठीक है। फिर आती है अगली इवेंट लॉन बॉल के अंदर, हमारे दो इवेंट थे, एक तो वुमेन्स फोर, यानी कि चार जनों की थीम टीम थी हमारी महिलाओं की, चार जनों की टीम ने गोल्ड जीता है, महिलाएं आगे निकल गई, पुरुष थोड़े पीछे रह गए, क्योंकि जो मेंस फोर है, इंडिया की जो मेंस फोर है, उन्होंने सिल्वर पदक जीता है। इनके नाम आपको याद रखने इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉन बॉल गेम याद रखना है आपने कि वुमेन्स जो महिलाएं थी, महिलाओं ने स्पर्धा में गोल्ड जीता है, और जो पुरुष है, पुरुषों ने स्पर्धा में क्या जीता है, सिल्वर जीता है। फिर नेक्स्ट गेम जो आती है वो आती पावर लिफ्टिंग, नेक्स्ट गेम आती है पावर लिफ्टिंग, इसके अंदर हमारे पास एक मेडल आया है, खिलाड़ी का नाम है सुधीर, सुधीर ने मेंस हैवी वेट के अंदर, मेंस हैवी वेट के अंदर गोल्ड जीता है, मेंस हैवी वेट के अंदर क्या जीता है इन्होंने, सुधीर जी ने गोल्ड जीता है। फिर नेक्स्ट हमारी जो गेम आती है वो आती है बेटा स्क्वैश, नेक्स्ट हमारी गेम जो आती है वो स्क्वैश आती है, सौरव जो खिलाड़ी का नाम है सौरव घोषाल जी ने मेंस सिंगल के अंदर, स्क्वैश मेंस सिंगल के अंदर ब्रॉन्ज जीता है। आपको खिलाड़ी का नाम, उसकी गेम याद रखनी है, प्रश्न का उत्तर सही देना है, तो सौरव घोषाल ने स्क्वैश के अंदर ब्रॉन्ज जीता है। फिर दो खिलाड़ी थी मिक्स्ड डबल के अंदर, मिक्स्ड डबल का मतलब क्या है, महिला और पुरुष दोनों खेल सकते हैं, तो मिक्स्ड डबल के अंदर सौरव घोषाल तो थे ही थे, एक तो सौरव घोषाल थे, इनके साथ थी दीपिका पल्लिकल, ठीक है ना, इनके साथ थी दीपिका पल्लिकल, तो इन दोनों ने मिक्स्ड फॉर्म में एक मैच खेला या स्पर्धा खेली, जिन्होंने इसमें ब्रॉन्ज मेडल अगेन हासिल किया है। स्क्वैश की टीम के अंदर क्या क्या हुआ है देखो, स्क्वैश की टीम के अंदर सौरव घोषाल ने अकेले में सिंगल इवेंट में ब्रॉन्ज जीता, फिर सौरव घोषाल के साथ मिक्स्ड डबल में आ गई दीपिका पल्लिकल, इन्होंने क्या जीता, इन्होंने फिर ब्रॉन्ज जीता। अब आती है बात टेबल टेनिस, इसके साथ पैरा टेबल टेनिस की भी बात कर ही लेंगे हम, पैरा तो समझते हो जो विकलांग होते हैं, पैरा ओलंपिक भी थे और पैरा कॉमनवेल्थ भी हैं, तो मिक्स्ड डबल के अंदर सबसे पहले टेबल टेनिस की बात हो रही है, टेबल टेनिस की बात हो रही है, तो मिक्स्ड डबल के अंदर गोल्ड आया, मिक्स्ड डबल के अंदर क्या आया, गोल्ड आया, ठीक है। फिर मेंस टीम, चार जनों की टीम है, ठीक है ना, मेंस टीम मेंस फोर, चार जनों की टीम है मेंस फोर, टेबल टेनिस के अंदर इन्होंने भी गोल्ड जीता है। फिर तीसरे नंबर पे आई है भाविना पटेल ने भी गोल्ड जीता है। फिर शरत कमल अकेले में, शरत कमल इस मेंस की टीम में भी थे, ठीक है ना, ध्यान रखना, इसमें भी थे अचंता शरत कमल जो ध्वजवाहक थे समापन समारोह में, वही हैं ये टेबल टेनिस वाले, तो अचंता शरत कमल इन्होंने अकेले के अंदर भी गोल्ड जीता है। तो टेबल टेनिस में और टेनिस में भी क्या आ गए, गोल्ड आ गए भाई, टेबल टेनिस और में और पैरल टेबल टेनिस में। फिर मेंस डबल्स में, मेंस डबल्स के अंदर इंडिया ने सिल्वर जीता है। फिर मेंस सिंगल के अंदर, ठीक है, ब्रॉन्ज जीता है। फिर एक सोनल पटेल जी और हैं, सोनल पटेल जी ने क्या जीता है, ब्रॉन्ज जीता है। तो आपको खिलाड़ियों के नाम याद रखने हैं, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ, टेबल टेनिस वगैरह वगैरह की खिलाड़ियों के बात नाम याद रखने हैं। अब सितारों की बात होगी वेट लिफ्टिंग में, जो ज़्यादा सुर्खियों में रहे हैं वेट लिफ्टिंग में और रेसलिंग में, अगली जो प्रतियोगिता है वो रेसलिंग है, तो इन दोनों प्रतियोगिताओं के जो खिलाड़ी हैं ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं, क्योंकि पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने दिलाया इस प्रतियोगिता में, मीराबाई चानू पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाली महिला रही हैं 49 kg भार वर्ग में, वेट लिफ्टिंग के अंदर इन्होंने गोल्ड जीता है। ये ध्यान रखना, कॉमनवेल्थ गेम्स
कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के अंदर पहला जो स्वर्ण पदक जिताया था वो मीराबाई चानू ने जिताया था, और उसी के साथ साथ मेरे को लगता है सेम दिन ही मिला था, इनका पूरा नाम याद रखना, जेरेमी लाल रिनुंगा। जेरेमी लाल रिनुंगा ये मेंस के अंदर 67 kg के अंदर इन्होंने गोल्ड जिताया था। जेरेमी लाल निरुंगा इनके साथ साथ ही आ गया था, पहला पदक मीराबाई चानू ने जिताया था, फिर दूसरा जेरेमी लाल निरुंगा ने जिताया था, फिर तीसरा गोल्ड एक और आया अचिंता श्योली ने 73 kg के अंदर, अचिंता श्योली ने 73 kg में मेंस में क्या जिताया, गोल्ड्स। ये दोनों मेंस की बातें हैं, ध्यान रखना। कई बार नाम आपको अचिंता जैसे आपको लगे वुमेन नेम है, नहीं जी मेंस नेम है। फिर संकेत सारगर 55 किलो भार वर्ग के अंदर सिल्वर, ध्यान रखना सिल्वर। फिर बिंदिया रानी ने भी 55 kg भार वर्ग के अंदर सिल्वर पदक। फिर विकास ठाकुर ने 96 kg भार वर्ग के अंदर क्या जीता विकास ठाकुर ने, सिल्वर पदक। फिर गुरु राजा, ये नाम आपको ध्यान रखना है, गुरु राजा पुजारी ने 61 kg भार वर्ग के अंदर क्या जीता, ब्रॉन्ज जीता। 61 kg भार वर्ग के अंदर क्या जीता बेटा ब्रॉन्ज जीता, ये आपको ध्यान रखना है। आगे और चलते हैं, रेसलिंग वेटलिफ्टिंग के काफ़ी नाम है, वेटलिफ्टिंग में तीन नाम और हैं बच्चे। वेटलिफ्टिंग के अंदर अगला नाम है हरजिंदर कौर। हरजिंदर कौर ने 71 kg भार वर्ग के अंदर ब्रॉन्ज जीता। मैं सारे के सारे 61 के 61 पदक आपको गिनाऊंगा, मैंने आपको कहा था। हरजिंदर कौर ने 71 kg भार वर्ग के अंदर ब्रॉन्ज जीता। लवप्रीत सिंह ने 109 kg भार वर्ग के अंदर ब्रॉन्ज जीता, ब्रॉन्ज। फिर गुरदीप सिंह ने 109+ kg में ब्रॉन्ज जीता। ये काफ़ी स्टार खिलाड़ी थे, पिछली स्लाइड में आपको रिपीट करवा दूं, मीराबाई चानू, जेरेमी लाल नुरंगा, अचिंता श्योली, साकेत सारगर, बिंदिया रानी, विकास ठाकुर, गुरु राजा पुजारी, हरजिंदर कौर, लवप्रीत सिंह, गुरदीप सिंह, ये सभी कौन से गेम के खिलाड़ी हैं, वेटलिफ्टिंग के, भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है इनका डेटा, ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट अपनी बात करते हैं रेसलिंग की, कुश्ती, जिसके अंदर भारत को सबसे ज़्यादा पदक दिलाने वाला गेम यही है, रेसलिंग यानी कि कुश्ती। और कुश्ती का नाम हो तो हरियाणा का नाम ना आए ऐसा नहीं हो सकता। बजरंग पूनिया जी ने 65 किलो भार वर्ग के अंदर गोल्ड जीता। फिर साक्षी मलिक, काफ़ी पॉपुलर नेम, पिछली बार भी इन्होंने पदक जीता था, साक्षी मलिक ने, बजरंग पूनिया ने, ध्यान रखना, 62 kg भार वर्ग के अंदर गोल्ड। फिर दीपक पूनिया ने 86 kg भार वर्ग के अंदर गोल्ड जीता, ध्यान रखना। फिर रवि कुमार दहिया, ये भी काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं कुछ ही दिनों में, रवि कुमार दहिया ने, यहाँ तो 86 kg था, यहाँ 57 kg है, 57 kg भार वर्ग के अंदर इन्होंने क्या जीता, गोल्ड। दोबारा रिपीट कर लें, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, दीपक पूनिया, रवि कुमार दहिया,
फिर विनेश फोगाट, ये फोगाट जो है ना, अब तो गीता फोगाट, बबीता फोगाट, तो ये फोगाट तो अब सरनेम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो चुका है गेम्स के अंदर, रेसलिंग के अंदर, कुश्ती के अंदर। विनेश फोगाट ने 53 kg भार वर्ग के अंदर गोल्ड जीता। फिर एक नए खिलाड़ी का नाम नवीन, नवीन जी ने 74 kg भार वर्ग के अंदर गोल्ड जीता। ठीक है, 74 kg भार वर्ग के अंदर नवीन ने क्या जीता, गोल्ड जीता। फिर अंशु मलिक, अंशु मलिक, अंशु मलिक ने सिल्वर जीता। अब आपको कैटेगरी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अंशु मलिक ने, वैसे लिख देता हूँ मैं आपको ताकि दिक्कत ना हो, 57 kg भार वर्ग के अंदर सिल्वर जीता। फिर दिव्या काकरान, दिव्या काकरान, दिव्या काकरान ने 68 kg भार वर्ग के अंदर ब्रॉन्ज जीता, 68 kg भार वर्ग के अंदर ब्रॉन्ज जीता। फिर मोहित गरेवाल, मोहित ग्रेवाल, मोहित गरेवाल, इन्होंने 125 kg भार वर्ग के अंदर ब्रॉन्ज जीता। फिर पूजा गहलोत, पूजा गहलोत, पूजा गहलोत ने 50 kg भार वर्ग के अंदर ब्रॉन्ज जीता। फिर पूजा, दोबारा पूजा आ गई भाई, लेकिन इस बार सहल गहलोत नहीं है, इस बार सिहाग है, इन्होंने 76 kg भार वर्ग के अंदर ब्रॉन्ज जीता। फिर अंतिम पदक, 61वां पदक दीपक नेहरा, दीपक नेहरा ने जीता मेंस के अंदर, 97 kg भार वर्ग के अंदर ब्रॉन्ज जीता, 97 kg भार वर्ग के अंदर ब्रॉन्ज जीता। अब अपने नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आपके लिए अब कुछ बातें इस वीडियो के अंदर, आपके लिए कुछ बातें हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। पहला तो आप कमेंट ये करेंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, एवरेज लगी या बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, तो आप कमेंट कर देना। दूसरा आपके लिए जो क्वेश्चन है, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ तो आपको राजस्थान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछूँगा, राजस्थान के कितने खिलाड़ी थे कॉमनवेल्थ खेम जो खेलने गए थे, ये आपके लिए प्रश्न है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। फिर राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने पदक जीता, राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने पदक जीता, ये दो क्वेश्चन आपके लिए हैं, राजस्थान के कितने खिलाड़ी थे, कौन से खिलाड़ियों ने पदक जीता और कौन कौन से खेल से संबंधित हैं, उनके गेम्स भी लिखने हैं आपने, कौन कौन से खेल से संबंधित हैं, ये काम आप कमेंट में करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर तो करना मत भूलना, काफ़ी मेहनत लगी है इसके अंदर। धन्यवाद दोस्तों।